भैरवः पूर्णरूपो हि शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्तंगवै न जानन्ति मोहितः शिवमायया। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव की माया से मोहित मूढ़ लोग ही उन्हें नहीं पहचान पाते। विश्वेश्वरे अपि ये भक्ता नो भक्तः काल भैरवे ते लभन्ते महादुःखं काश्यां चैव विशेषतः। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में तो भक्ति करते हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त करते हैं। वाराणस्यामुषित्वा यो भैरवं न भजन्नरः तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्लपक्षे यथा शशि। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता है, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हैं। अनेक जन्म नियुतेरित्कृतं जन्तुभिस्त्वघं तत्सर्वं विलयं याति काल भैरव दर्शनात्। प्राणी के द्वारा अनेक जन्मों में किया गया जो पाप है, वो सभी काल भैरव जी के दर्शन करने से लुप्त हो जाते हैं। काल भैरव भक्तानां पातकानि करोति यः स मूढ़ो दुखितो भूत्वा पुनर्दुर्गतिम् आप्नुयात्। जो काल भैरव जी के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता रहता है। जब परमेश्वर शिव ने अपने क्रोध के द्वारा तेज से देदीप्यमान भैरव जी को उत्पन्न किया, तो उन्हें क्या क्या वरदान दिया सुनो। ईश्वर ने कहा, काल भद्राज से साक्षात काल राजस्ततो भवान। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, इसीलिए तुम काल राज नाम से विख्यात होगे। विश्वं भर्तुं समर्थो वसि भरणाद् भैरवः स्मृतः। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे जाओगे। त्वत्तो भेष्यति कालो अपि ततस्त्वं काल भैरवः। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। आमर्दयिष्यति भवान् दुष्ट दुष्टात्मनो यतः आमर्दक इति ख्यातिं ततः सर्वत्र यास्यसि। तुम रुष्ट होने पर दुष्टात्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात् पाप भक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। या मे मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्यो अपि गरीयसी आधिपत्यं च तस्यास्ते कालराज सदैव हि। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। तत्र ये पातकी नरास्तेषां शास्ता त्वमेव हि। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे, उनके शासक तुम ही रहोगे। ये तो ईश्वर शिव ने वरदान दिए काल भैरव जी को। अब भगवान विष्णु ने काल भैरव जी की क्या महिमा गाई है, उसमें से कुछ बातें आपको बताता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, अतीत ब्रह्मणां ह्यस्थनां सृकंठे तव भासते। आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं की अस्थियों की माला भाषित हो रही है। आगे नारायण कहते हैं, कृत्वापि सुमहत्पापं यस्त्वां स्मरति मानवः आधारं जगतामीश तस्यं पापं विलीयते। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगत आधार का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। यथा तमो न तिष्ठेत सन्निधा वंशमालिनः तथैव तव यो भक्तः पापं तस्य व्रजत्क्षयम्। जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार जो आपका भक्त है, उसके पाप विनष्ट हो जाते हैं। यश्चिन्तयति पुण्यात्मा तव पादाम्बुजद्वयम् ब्रह्महत्याकृतमपि पापं तस्य व्रजत्क्षयम्। जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है, उसका ब्रह्महत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। तव नामानुरक्ता वाग्यस्य पुंशो जगत्पते अप्यद्रीकूटतुलितं नैनस्तं मनुबाधते। हे जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम में अनुरक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकता है। अब भगवान काल भैरव के भक्तों के लिए कुछ कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना।
कृष्णाष्टम्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरः आविर्बभूव सल्लीलो भैरवात्मा सदां प्रियः। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरवात्मा परमेश्वर शिव मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को आविर्भूत हुए थे। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्य कहीं भी भक्ति पूर्वक जागरण के सहित इस व्रत को करेगा वह महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त कर लेगा। जय भगवान काल भैरव। शिव 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 शिव।